कप्तान रोहित शर्मा ने दी गाली, बीच मैदान शुभमन पर खोया आपा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी चौथे टेस्ट के दूसरे दिन भारतीय कप्तान रोहित शर्मा आग बबूला नजर आए। किसी बात पर उन्होंने अपने युवा ओपनर साथी शुभमन गिल को फटकार लगा दी। हल्के फुल्के अंदाज में हिटमैन को अपशब्द का इस्तेमाल करते देखा गया। रोहित का यह व्यवहार मैच के दौरान गिल के अनुचित व्यवहार के जवाब में प्रतिक्रिया थी। घटना दूसरे दिन ऑस्ट्रेलियाई पारी के 133वें ओवर के दौरान की है। तब 384 रन पर ऑस्ट्रेलिया के 6 विकेट गिर चुके थे। उस्मान ख्वाजा ने 164 तो मिचेल स्टॉक 4 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। तभी रोहित शर्मा की आवाज स्टंप माइक पर रिकॉर्ड हो गई। पूरी घटना कैमरे में कैद नहीं हो पाई क्योंकि ब्रॉडकास्टर क्राउड के शॉट्स दिखा रहे थे। मुकाबले की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे दिन पहली पारी में 480 रन बनाए। उस्मान ख्वाजा दोहरे शतक से चूक गए, लेकिन पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक जड़ने वाले कैमरन ग्रीन के साथ उनकी 208 रन की साझेदारी हुई। रोहित शर्मा के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।